नव निर्वाचित ग्राम प्रधान के खिलाफ थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के कैथवलिया इंदौर गांव के निर्वाचित ग्राम प्रधान के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। यह प्राथमिकी उसी ग्राम सभा की एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुई। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान उसे और उसके बेटे को मनरेगा में काम नहीं करने दे रहे और गाली देकर भगा दिया, जबकि ग्राम प्रधान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज करने की बात कही। मामला डुमरियागंज तहसील के कैथवलिया सेंटर गांव का है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव की एक महिला अपने नाबालिग बेटे को मनरेगा में काम पर रखने की जिद कर रही थी। मना करने पर अपशब्दों का प्रयोग करने लगी। इसी बात को लेकर जब मैंने उससे कहा कि नाबालिग काम नहीं कर सकता तो वह 112 पर फोन करके पुलिस बुला ली और पुलिस वालों को मैंने बताया कि इसका बेटा नाबालिग है, काम नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर महिला ने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने राजनीतिक के दबाव में नीचे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बारे में गांव वालों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने नाबालिग को काम करने से फिर मना किया और कोई बात नहीं थी, उल्टा महिला ने ग्राम प्रधान को उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया। इस बारे में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत का कहना है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जाँच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। टीवी इंडिया 18 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे के साथ डॉक्टर रामधनी चौधरी की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। एक कैथवलिया गांव है डुमरियागंज थाना क्षेत्र में, वहाँ की एक घटना संज्ञान में आई है जिसमें एक महिला मनरेगा में काम के लिए गई थी और उसको एक व्यक्ति के द्वारा जो है काम करने से मना किया गया, उसको गाली दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई और उसके ऊपर हमलावर हुए। इस सूचना पर थाना डुमरियागंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य पाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।